आगे बढ़ते हैं। बूंदी नेशनल हाईवे 52 पर किशोरपुरा टोल प्लाजा पर अभी भी वसूली लगातार जारी है। नितिन गडकरी के आदेश की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टोल मैनेजर और टोल कर्मियों की ओर से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं आपातकाल स्थिति में वाहन चालकों ने यहां पर हंगामा किया। जो आपातकाल स्थिति में जा रहे हैं वाहन, उन वाहन चालकों ने यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ भवानी सिंघाड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी, बताएं, वहां पर अभी भी वसूली जारी है, टोल वसूली की जा रही है? बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, जहां पर नितिन गडकरी द्वारा टोल मुक्त कर दिया गया है, तो कोई भी टोल नहीं लगेगा। वहीं यहां बूंदी शहर का जो NH-52 है, यहाँ पर अवैध वसूली जो आपातकाल स्थिति में वाहन जो गुजर रहे हैं उनसे की जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का यहां पर अभी कोई ध्यान नहीं है। हमारी अब जो जिला कलेक्टर है अंतर सिंह नेहरा, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि टोल बिल्कुल यहां पर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी मनमानी है, जो यहाँ पर अभी भी टोल वसूल रहे हैं। कुछ टोल कर्मी जो है वहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वाहन चालकों ने यहाँ पर हंगामा किया है, तथा जो नितिन गडकरी जो मंत्री है उनका जो ट्वीट था उसको भी यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन जो टोल मैनेजर रोहित शर्मा नाम से बताया जा रहा है, उनका इस मामले को लेकर यही कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं है। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जी। भवानी, खुद नितिन गडकरी ने ट्वीट करके आदेश दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आदेशों की पालना नहीं हो रही है। टोल मैनेजर और टोल कर्मियों से आपने खुद बात करने की कोशिश की, आखिर वो क्या चाहते हैं, आखिर ये मनमानी क्यों की जा रही है? बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा जो टोल मैनेजर है उनका, उनसे हमने बात की, उनका यही कहना था कि हमारे पास ऑफिशियल आदेश नहीं आया। ऐसे में इतना बड़ी महामारी देश में फैली हुई है, लॉकडाउन हो चुका है, और उन्हें ऑफिशियल आदेश अभी भी जो ट्वीट के बाद में ऑफिशियल लेटर का इंतजार है। अपने आप में बड़ी लापरवाही टोल मैनेजर की यहां पर देखने को मिल रही है, और वाहन चालक लगातार यही कह रहे हैं कि जब मंत्री का ट्वीट हो चुका है और टोल मुक्त कर दिया गया है, फिर भी अगर ऐसी मनमानी टोल मैनेजर कर रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं तो बनती ही है जी। भवानी, ये भी कहा जा रहा है कि जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं यहां से अभी भी बड़ी संख्या में गाड़ियां निकल रही हैं, वो कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए भी है और कुछ निजी वाहन भी है जो लगातार यहां से निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर बात करी जाए तो कई वाहन ऐसे हैं जो अति आवश्यक काम होने के चलते यहाँ से गुजर रहे हैं। इसमें कई वाहन ऐसे भी हैं जो बेवजह गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर जो पुलिस की मॉनिटरिंग है वो पूरी है। बूंदी में अब तक 700 से ज्यादा दो पहिया व चार पहिया वाहनों की जो शिवराज मीणा पुलिस अधीक्षक है उनकी आदेश पर जब्ती की गई है। पूरे 17-18 थाने हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यही उठ रहा है कि टोल से गुजरने वाले वाहनों से अभी भी वसूली की जा रही है, वो एकदम गलत है। खुद ट्वीट करके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए टोल नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मनमानी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखें। किशोरपुरा टोल प्लाजा की ये पूरी तस्वीर है, ये पूरा घटनाक्रम वहां से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।